नमस्ते, सिंपली कुक में आपका स्वागत है। आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसका नाम है लोटे माचे भरता। लोटे माच, जिसे कि इंग्लिश में बॉम्बे डक फिश कहा जाता है, उसका भरता आज मैं आपको बना के दिखाऊंगी कि ये भरता किस तरीके से बनता है। हमने तो काफ़ी तरीके के भरते खाए हैं, बैंगन का भरता स्पेशली हर किसी ने खाया होगा, लेकिन ये लोटे माच का जो भरता है ये थोड़ा डिफरेंट है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी एक रेसिपी है जो मैं आपके साथ आज शेयर करने आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। पहले इस फिश को हम क्या करेंगे, फ्राई पैन में बॉईल कर लेंगे। बॉईल मतलब इसमें पानी नहीं डालना है, जस्ट फिश को इसे देखिए स्टीम करना होगा। करीबन 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम में इसको ढक के छोड़ दीजिए, जिससे कि ये फिश जो है थोड़ा सा नरम हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इस चम्मच के सहारे, इस तरीके से देखिए ये फिश जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है और बहुत इजी तरीके से ये कांटा जो है, बीच का कांटा, ये कांटे को आप निकाल सकते हो। वैसे तो ये कांटे के साथ भी खाया जा सकता है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता ये कांटे के साथ, इसलिए मैं इस कांटे को निकाल के फेंक लेती हूँ। इससे जो रेसिपी है वो बहुत और भी ज़्यादा डिलीशियस और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। ये बनाने में भी बहुत सिंपल है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। वैसे तो ये जो लोटे फिश है इसके साथ हम कई तरीके की रेसिपी बना सकते हैं, लेकिन ये भरता जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का एक रेसिपी है, जिसे हम रोटी के साथ, पराठे के साथ या फिर चावल किसी के साथ भी हम इसे खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो चलिए पहले हम इसके कांटे जो है, सारे फिश के कांटे मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ। सारे फिश के नहीं दिखाऊंगी, जस्ट थोड़े से दिखा रही हूँ आपको, जिससे कि आप अच्छे से समझ पाइए कि किस तरीके से निकालना होता है। इस तरीके से हम सारे फिश के जो कांटे हैं वो हम निकाल लिए हैं, मैंने निकाल लिया है। निकाल के इस तरीके से हमने एक प्लेट में रख के उसको ठंडा होने के लिए रखा था। अब उसी पैन में मैंने अच्छे से धो लिया है इस पैन को, उसी पैन में मैंने मस्टर्ड ऑयल ऐड किया है, उसमें 1 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया है और 2 सूखी लाल मिर्च मैंने इसमें ऐड किए। जैसे ये थोड़ा सा हल्का सा फ्राई हो जाए उसके बाद मैं इसमें करीबन 2 से 3 कट किए हुए प्याज मैंने इसमें ऐड किए हैं। ये जो रेसिपी है ये सिर्फ प्याज से ही बनता है, इसमें और कोई वेजिटेबल्स ऐड नहीं होता है, सिर्फ मैं इसे प्याज के साथ ही बनाऊंगी। प्याज को हम हाई फ्लेम में 2 मिनट के लिए थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे अच्छी तरीके से, जिससे कि प्याज जो है थोड़ा सा हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसे और 2 मिनट के लिए थोड़ा सा ढक ढक देंगे और एकदम फ्लेम को लो कर लेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर थोड़ा सा चॉप किया हुआ 1 टमाटर और कुछ चॉप किए हुए हरी मिर्च मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। हरी मिर्च जो है वो आप अपने स्वाद अनुसार लीजिएगा, जितना आप तीखा खाना पसंद करते हो उस हिसाब से आप हरी मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसको और थोड़ा सा चलाएंगे जब तक कि टमाटर जो है थोड़ा सा सॉफ्ट ना हो जाए, थोड़ा सा हम इसको और थोड़ा सा पका लेंगे टमाटर के साथ। 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे पका लेंगे। उसके बाद ढक्कन को निकाल के अब हम इसे थोड़ा सा इसमें मसाले ऐड करेंगे। अब हमने इसमें थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लेंगे, बहुत ज़्यादा नमक मत दीजिएगा। उसके बाद हम इसमें काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1.5 चम्मच हमने यहाँ पर हल्दी पाउडर यूज़ किया है। अगर हल्दी आपको थोड़ा कम लगता है तो आप बाद में भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हो। 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर गरम मसाला ऐड किए हैं, करके अब मैं थोड़ा सा इसे मिला लूँगी। अब हमने इसको प्याज के साथ जो मसाले को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से हाई फ्लेम में ही भून लिया है। भूनने के बाद अब हम इस लोटे फिश को जो हमने कांटे को अलग कर लिया है उस फिश को हम इसमें ऐड कर देंगे। और हमें अभी फ्लेम को बिल्कुल लो नहीं करना है, मीडियम फ्लेम में इसे हमें पकाते रहना है, जिससे कि ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए और अच्छे तरीके से ये पक जाए। इसी तरीके से हम चलाते रहेंगे और बीच बीच में इसे थोड़ा सा रेस्ट देंगे और मीडियम फ्लेम में ही इसे हमें पकाना होगा।
यहाँ पर मेरे हल्दी जो था थोड़ा सा कम लग रहा था, इसलिए मैंने और थोड़ा सा हल्दी इसमें ऐड किए हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले और भी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब जो ये फिश है ये अभी भी थोड़ा सा गीला टाइप का है, इसीलिए हम इसको ढक के करीबन 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में ही छोड़ देंगे। ये करीबन काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है, लेकिन इसे और ज़्यादा हमको ड्राई करना है, इससे नहीं होगा, और थोड़ा सा हमको इसको टाइट बनाना है। ये देखिए अब जो है ये इसका जो ये थिकनेस है अब ये थोड़ा सा रेडी हो चुका है, और थोड़ा सा हम करीबन 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में और थोड़ा सा हम इसको चला लेंगे। ये रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है।